नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी ही देर में आएगा वाराणसी कोर्ट का फैसला। जिला जज एएसआई सर्वे पर देंगे फैसला। सील एरिया को छोड़कर बाकी के सर्वे की मांग की गई है। एएसआई की जांच पर जिला जज सुनाएंगे फैसला। परिसर में मिली थी देवी देवताओं से जुड़ी आकृति, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कमीशन की जांच में कमल त्रिशूल की आकृति मिली, हिंदू पक्ष ने की है एएसआई से सर्वे की मांग। 16 मई को जिला कोर्ट में दायर की याचिका। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। कुछ ही देर बाद कभी भी फैसला आ सकता है वाराणसी कोर्ट की तरफ से। 3:30 बजे वक्त रखा गया था और कुछ ही मिनटों का वक्त और बचा है। और हिंदू पक्ष फैसले के पहले ही बेहद आश्वस्त दिखाई दे रहा है। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि अगर एएसआई जांच होती है तो मस्जिद से जुड़ी पूरी हकीकत सामने आ सकती है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नहीं, ये जो खाली ज़मीन पर जो है ये मस्जिद बनाया, औरंगजेब एक बहुत नरम दिल और नेक दिल जो है बादशाह था, उसने लोगों की मदद की, उसने तमाम सैकड़ों मंदिरों को बनाया। तो जब सैकड़ों मंदिरों को औरंगजेब ने बनवाया तो ये तमाम हमारे जो देश में हजारों मंदिर टूटे ये कौन तोड़ा? जो आपको अंदर हम लोग को देखने को मिला, मंदिर की चीज़ों को छुपाने का प्रयास किया गया। दीवारों पर स्वस्तिक के चिन्ह मिले, त्रिशूल मिले, डमरू मिले, कमल के फूल मिले, और जो हिंदू के मंदिर के दीवारों पर जो लिखे होते मंत्र मिले, लेकिन उस सबको छिपाने के लिए पेंट द्वारा प्लास्टर द्वारा किया गया है। न्यायालय अगर जांच कराती है तो मुकदमे के निस्तारण भी सुविधा होगी और उनको विपक्षी को इस जाँच में सहयोग करना चाहिए। ऐसे बड़े मुद्दे को लंबे अवधि तक नहीं रखना चाहिए। तो 3:30 बज चुके हैं और अब से कुछ ही मिनटों बाद यानी कि कभी भी वाराणसी से फैसला निकलकर सामने आ सकता है, जैसा कि हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार हमें बता रहे हैं कि आखिर 3:30 बजे अब कभी भी ये फैसला आ सकता है। जो लास्ट अपडेट थी वो ये थी कि 3:30 बजे अब कभी भी फैसला आ सकता है 3:30 बजे के बाद। तो हर किसी की निगाहें आज जिला कोर्ट पर वाराणसी की टिकी हुई है। ज्ञानव्यापी प्रकरण मामले पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला एएसआई सर्वे को लेकर है और जो एरिया सील किया गया है उसके अलावा जितना एरिया है उस पूरे क्षेत्र में, उस पूरे परिसर में एएसआई सर्वे की मांग की गई है हिंदू पक्ष की तरफ से। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब फैसला आएगा। देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से फैसला क्या आता है, किसके पक्ष में आता है या फिर कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, तो यह देखने वाली बात होगी। हालांकि ये कहा जा रहा था शुरुआती दौर में कि 2 बजे के बाद कभी फैसला आ सकता है, लेकिन बाद में अपडेट आई कि 3:30 बजे के बाद फैसला आएगा, जिला कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तो आज बड़ा दिन है और आज अब किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। बहस पूरी हो गई है, जिरह पूरी हो गई है दोनों पक्षों की तरफ से, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहस पूरी हो गई है और आज का दिन तय किया गया था फैसले का। तो अब जिला कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आएगा, तो उस पर हर किसी की निगाहें कि फैसला आखिर क्या आता है कोर्ट की तरफ से। ये बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी से ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे कराना है और जो सील एरिया है उसके अलावा जो बाकी एरिया है वहां पर सर्वे कराया जाएगा। और इसी को लेकर एक याचिका दायर की गई थी और इसकी हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई थी कि उसको कराया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट, अब कोर्ट का विवेक है कि आखिर क्या कुछ फैसला सुनाती है कोर्ट, हिंदू पक्ष की बात मानती है या फिर मुस्लिम पक्ष की या फिर बीच का कोई रास्ता निकलता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बड़ी खबर है, अहम खबर है, लगातार हम आपको ये बता रहे हैं, सुबह से ही पल पल की जानकारी और अपडेट आप तक आने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ तर्क दिए जा रहे हैं वो हमने आपको सुनाया, हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कुछ बातें कही जा रही हैं वो हमने आपको सुनाया। हालांकि हिंदू पक्ष ये जरूर कह रहा है कि हम आश्वस्त हैं, जो दलीलें हुई हैं, जो जिरह हुई है उसको, उसके बिहाफ पर, उसके, आपको बता दें, उसके मुताबिक यहां पर हिंदू पक्ष आश्वस्त दिखाई दे रहा है और हिंदू पक्ष का कहना यह है कि फैसला उनके हक में आएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। कोर्ट के फैसले से पहले किसी तरह की कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा हमें। 3:30 बज चुके हैं, 3:30 बजे कहा गया था कि फैसला सुनाया जाएगा आज जिला कोर्ट की तरफ से, तो अब कुछ ही मिनटों का और इंतजार है, कुछ ही समय का और इंतजार है और फैसला हमारे सामने होगा। तो यह बात कही गई है और यह हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है कि जो पहले कमिश्नर सर्वे हुआ था उसमें
बहुत सारे ऐसे सबूत मिले थे और उसी की यहां पर एएसआई सर्वे होने की जरूरत है, एएसआई सर्वे होना चाहिए। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई, जहां पर जिला कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने जा रही है। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला, बड़ी कवरेज लगातार हम आपको बता रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। काशी में हमारे सहयोगी लगातार कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और पल पल की जानकारी अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एएसआई सर्वे होता है या नहीं होता है, कोर्ट इसकी इजाजत देता है या फिर नहीं देता है, यह देखना होगा। हालांकि कुछ देर पहले जब हमारी बात हो रही थी तो यहां पर यह बात जरूर निकल कर आई कि फैसला चाहे जिसके भी पक्ष में आए, दूसरा पक्ष जिसके सामने हाईकोर्ट का रास्ता भी खुला है, जिला जज का जब अपना फैसला सुनाएंगे उसके बाद कोई भी पक्ष हाईकोर्ट भी जा सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि एसआई सर्वे कराने के लिए समय कितना दिया जाता है, कितने दिन में सर्वे पूरा किया जाता है, अगर इस हिंदू पक्ष में की तरफ से ये फैसला आता है तो, और अगर मुस्लिम पक्ष की तरफ से फैसला आता है तो उसमें क्या होता है और कितने दिन का समय होगा जब हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो ये तमाम बातें देखने को मिलेंगी और कयास लगाए जा रहे हैं, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 3:30 बज चुके हैं, कुछ मिनटों बाद कोर्ट का फैसला सामने आ सकता है। तो थोड़ी देर का इंतजार और है और फैसले की घड़ी आ गई है, ज्ञानवापी पर फैसले की घड़ी हमारे सामने है और कुछ ही मिनटों बाद यह फैसला हमारे सामने होगा। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे होगा या नहीं होगा, इससे आज पर्दा उठ जाएगा क्योंकि आज फैसले का दिन है। दोनों तरफ से बहस पूरी हो चुकी है, हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं, अपने तर्क रखे हैं, मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं, अपने तर्क रखे हैं, जिरह पूरी हो गई है, दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना है और अब आज की तारीख तय की गई थी फैसले के लिए। तो अब से कुछ ही देर का और इंतजार करना पड़ेगा और फैसला हमारे सामने होगा, देखना बहुत दिलचस्प है। हर किसी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें आज जिला कोर्ट पर टिकी हुई हैं। क्या पक्ष में आएगा, हिंदुओं के पक्ष में आएगा या मुस्लिम के पक्ष में आएगा, लिहाजा आज कुछ मिनटों में इस फैसले को लेकर के वो आदेश आने वाला है, क्योंकि अभी कुछ नहीं, दो मुस्लिम है वो कोर्ट में मौजूद हैं इस वक्त और कोई अभी इस वक्त बाहर नहीं है, कोर्ट रूम से बाहर नहीं है। और हम आपको बता दें कुछ घंटों पहले मुस्लिम पक्ष के वकील द्वारा भी बात किया गया था, मुस्लिम पक्ष उस पर नाराजगी जता रहा था कि नहीं ये दबाव बनाया जा रहा है हम लोगों पर, सरकार की तरफ से कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा है हम लोगों पर, पहले खुशी जाहिर की जा रही है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस तरीके के तमाम आरोप आज मुस्लिम पक्ष के वकील अधिवक्ता द्वारा लगाया जा रहा था। तो अनुज हमारे सहयोगी जो कि ग्राउंड रिपोर्ट देते हुए और मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं उसका जिक्र करते हुए अनुज हमारे सहयोगी जो कि जिला कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, पल पल की जानकारी अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कुछ निकल कर आ रहा है हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। फैसला सुनाने का वक्त था तो 2:30 बजे सभी हिंदू और मुस्लिम पक्ष कोर्ट में मौजूद थे, कोर्ट में मौजूद होने के बाद जो ऑर्डर कॉपी है उसको टाइप होने के लिए भेज दिया गया, महज 1 घंटे का टाइम लगता है, वो 1 घंटे का टाइम बीत चुका है, अब कुछ ही मिनटों में वो आदेश आ सकता है कि एएसआई का सर्वे होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर टाइप होने के लिए गए थे और जैसा कि अनुज बता रहे हैं कि इसमें 1 घंटे का वक्त लगता है और 1 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है। पक्ष की तरफ से अधिवक्ता और एक याचिकाकर्ता कोर्ट रूम में मौजूद हैं। तो दोनों पक्ष के अधिवक्ता कोर्ट रूम में मौजूद हैं ऐसा कह रहे हैं अनुज हमारे सहयोगी जो कि एक एक करके तमाम जानकारियां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फैसला आने से पहले क्या कुछ हलचल है, किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है, वो यहां पर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद जो कि बताते हुए फैसले की घड़ी आ गई है और अब से कुछ ही मिनटों बाद और कभी भी ये कहें कि कभी भी ये फैसला आ सकता है हमारे सामने होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प है क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया गया है, क्या कुछ फैसला आ सकता है, क्या एएसआई सर्वे होगा, क्या एएसआई सर्वे नहीं होगा या फिर कुछ और ऑर्डर पास किया जाता है यहां से कोर्ट की तरफ से, ये बड़ा प्रश्न है और हर किसी की नजर इस पर बनी हुई है। हिंदू पक्ष के वकील और मुस्लिम पक्ष के वकील दोनों ही इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं।
मुस्लिम पक्ष ने कहा कि नहीं, ये जो खाली जमीन पर जो है ये मस्जिद बनाया है। औरंगजेब एक बहुत नरम दिल और नेक दिल जो है बादशाह था, उसने लोगों की मदद की, उसने तमाम सैकड़ों मंदिरों को बनाया। तो जब सैकड़ों मंदिरों को औरंगजेब ने बनवाया तो ये तमाम हमारे जो देश में हजारों मंदिर टूटे ये कौन तोड़ा? जो आपको अंदर हम लोग को जो देखने को मिला, मंदिर की चीज़ों को छुपाने का प्रयास किया गया। दीवालों पर स्वस्तिक के चिन्ह मिले, त्रिशूल मिले, डमरू मिले, कमल के फूल मिले, और जो हिंदू के मंदिर के दीवारों पर जो लिखे होते मंत्र मिले, लेकिन उस सबको छिपाने के लिए पेंट द्वारा, प्लास्टर द्वारा किया गया है। न्यायालय अगर जांच कराती है तो मुकदमे के निस्तारण में भी सुविधा होगी, और उनको विपक्षी को इस जाँच में सहयोग करना चाहिए। ऐसे बड़े मुद्दे को लंबे अवधि तक नहीं रखना चाहिए।